हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्थ संस्कृत की बुक रुचिरा भाग दो का चैप्टर 13 अमृतम संस्कृतम। अमृतम अर्थात अमृत के समान, संस्कृतम संस्कृत भाषा। तो इस प्रकार से हमारे शीर्षक का अर्थ होगा कि संस्कृत भाषा अमृत के समान है। देखिए पाठ का हिंदी अनुवाद। विश्वस्य उपलब्धाशु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धाशु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा अस्ति है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता। भाषा इयम यह अनेकासाम अनेक भाषाणाम भाषाओं की जननी मता मानी गई है कि यह भाषा, यह कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अश्याम सुरक्षित है। प्राचीनयो प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान और विज्ञान की निधि खजाना अश्याम इसमें सुरक्षित है, सुरक्षित है कि प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केन अपि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति ही तथा। संस्कृतस्य संस्कृत के महत्व विषय, महत्व के विषय में केन अपि किसी के द्वारा कथितम कहा गया है भारतस्य भारत की प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाए अर्थात गौरव द्वे दो है संस्कृतम संस्कृत संस्कृति संस्कृति तथा और। कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं अर्थात गौरव है, एक है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, इयम यह भाषा अति अत्यधिक वैज्ञानिकी वैज्ञानिक है, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तमा सर्वश्रेष्ठ भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अश्यः वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्र आदि भी च समृद्धम् अस्ति। अश्यः इसका, वाङ्मयम् साहित्य, वेदैः वेदों के द्वारा, पुराणैः पुराणों के द्वारा, नीतिशास्त्रैः नीतिशास्त्र के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि भी चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम् संपन्न अस्ति है। कि इसका, इसका किसका, संस्कृत का साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि विश्व कवि नाम विश्व कवियों के काव्य सौंदर्यम काव्य की सुंदरता अनुपमम श्रेष्ठ है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता श्रेष्ठ है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र जगति संसार में प्रसिद्धम प्रसिद्ध अस्ति है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य, शून्य का प्रतिपादनम प्रतिपादन सर्वप्रथमम सर्वप्रथम आर्यभट्टः आर्यभट्ट ने अकरोत् किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरकशुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतय हो चरक और सुश्रुत का योगदानम योगदान विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में
चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम् रसायनशास्त्रम् खगोल विज्ञानम् ज्योतिषशास्त्रम् विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते संस्कृत में यानी जो अन्यानि दूसरे शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान है तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम् वास्तुशास्त्र रसायनशास्त्रम् रसायनशास्त्र खगोल विज्ञानम् अर्थात अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान ज्योतिषशास्त्रम् ज्योतिषशास्त्र विमानशास्त्रम् विमानशास्त्र इत्यादीनि इत्यादि उल्लेखनीयानि प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र विद्यमान है उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र इत्यादि प्रसिद्ध है। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभि उद्याय प्रेरयन्ति यथा सत्यम एव जयति वसुधा एव कुटुंबकम् विद्या अमृतम अश्नुते योगे कर्मशु कौशलम इत्यादय। संस्कृते संस्कृत में विद्यमाना विद्यमान सूक्तय सूक्तिया अर्थात श्रेष्ठ कथन अभ्युदयाय उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती है यथा जैसे सत्यम एव सत्य ही जयते जीतता है अर्थात सत्य की ही विजय होती है वसुधा एव पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है विद्या विद्या के द्वारा अमृतम अमृत को अश्नुते प्राप्त करता है योग है कर्मसु कार्यों में कौशलम कुशलता इत्यादय है इत्यादि। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अर्थात श्रेष्ठ कथन उन्नति के लिए प्रेरित करती है जैसे सत्य की ही विजय होती है पृथ्वी ही परिवार है विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है कार्यों में कुशलता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत स्वयं की तरह से व्यवहारम व्यवहार कर्तुं करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी शिक्षयति शिक्षा देती है। सभी प्राणियों में स्वयं की तरह से व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी शिक्षा देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। केचन कुछ लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में केवलम केवल धार्मिकम धार्मिक साहित्यम साहित्य ही वर्तते है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीना न अस्ति। एषा यह धारणा समीचीना ठीक नहीं अस्ति है। यह धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव जीवन के लिए विविधा अनेक प्रकार के विषयः विषय समाविष्टः सम्मिलित सन्ति है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णितः सन्ति। महापुरुषाणाम महापुरुषों की मति बुद्धि उत्तम जनानाम श्रेष्ठ लोगों का धृति धैर्य सामान्य जनानाम सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च और वर्णितः वर्णित सन्ति है। महापुरुषों की बुद्धि श्रेष्ठ लोगों का धैर्य सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यम एव पठनीयम्। अतः इसलिए अस्माभिः हम लोगों के द्वारा संस्कृतम् संस्कृत अवश्यम एव अवश्य ही पठनीयम् पढ़नी चाहिए। इसलिए हम लोगों के द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन उसके द्वारा मनुष्यस्य मनुष्य का समाजस्य समाज का च और परिष्कारः शुद्धि भवेत् होती है। उसके द्वारा मनुष्य का और समाज का शुद्धि होती है अर्थात मनुष्य का और समाज का शुद्धिकरण होता है।
उगते हैं चैन, और कहा भी है। क्या कहा है? अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम अमृत के समान है, संस्कृतम संस्कृत, मित्र हे मित्र, हे मित्र संस्कृत अमृत के समान है, सरसम सरस है, सरलम सरल है, वचः वाणी, वाणी सरस और सरल है, भाषासु सभी भाषाओं में, महनीयम श्रेष्ठ है, यद जो जो सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, ज्ञान विज्ञान ज्ञान और विज्ञान पोषकम समर्थक है, कि ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, हे मित्र संस्कृत अमृत के समान है, यह वाणी सरस और सरल है जो सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, और संस्कृत ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।